अंदर आओ। हो गया जी, अब थोड़ा हम और डांस कर ले। हैं? अरे ढोल शोल बजाओ भाई। अंकल, एक्चुअली मुझे इतने हैवी आउटफिट्स पहनने की आदत नहीं है, सो मुझे थोड़ा सफोकेशन हो रहा है, सो इफ यू डोंट माइंड मैं बाहर जाके फ्रेश एयर लेके आऊं प्लीज। हाँ बेटा जाओ जाओ, वैसे भी रिया को तैयार होने में टाइम लगेगा, जाओ जाओ। थैंक यू सो मच। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सारा सच जान चुका हूं। आपके यहां आने का मकसद, अनन्या के यहां आने का मकसद, या फिर शुड आई से अवनी, अगर मैं चाहूं ना तो आपकी अवनी को अभी और इसी वक्त गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल सकता हूं। काफी सारे इल्जाम है उसके सर पर, चोरी, फरेब, फ्रॉड, ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बोल? जाओ जाके अरेस्ट कर लो अवनी को। वर्दी है ना तुम्हारे पास, सबूत भी है, तो यहाँ खड़े खड़े इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर? अरेस्ट क्यों नहीं करते उसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्दी पर से तुम्हारा भरोसा ही हट गया, या फिर कुछ और? जानती हूं मैं तुम्हारा सच। कैसा सच? वही सच जो मुझे तुम्हारी आंखों में नजर आ रहा है, यही कि तुम अवनी को अरेस्ट करना चाहते ही नहीं। ये चोर पुलिस का खेल खेलते खेलते मैं पता ही नहीं चला नहीं कब अवनी तुम्हारे दिल में घर कर गई। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सच नहीं है। यही बात मेरी तरफ देख के बोलो। पुलिस वाले हो ना, इतना तो पता है ना कि इंसान नजरें तभी चुराता है जब वो झूठ बोल रहा है। जैसे कि तुम अभी अभी नजरें चुराकर झूठ बोल रहे थे। पुलिस वालों, अपनी वर्दी पे पूरा भरोसा है मुझे, और जाके कह दीजिएगा अपनी अवनी से कि कानून को इतना कमजोर ना समझे कि खुद कानून अपने हाथ में ले, वरना आगाह कर रहे हो तुम मुझे। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम अवनी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, मौका देना चाहते हो उसे, एक मौका बचने के लिए। ये है तुम्हारा सच नहीं। आखिर भाग के जाएंगी भी आप दोनों? चाहे आप कहीं पे भी चले जाइए, लेकिन मैं आप लोगों को ढूंढ के रहूंगा। फिलहाल तो तुम्हारी नजरें अवनी को ढूंढ रही है, नहीं डरते हो ना तुम कहीं अवनी कुछ गलत ना कर बैठे? अब तो मान जा, कहीं ना कहीं तुम्हें भी यकीन है कि अवनी बेकसूर है। से ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ गई है? तुम अवनी से प्यार करते हो नीर? देखिए, मैं यहां आपकी फिजूल की बातें सुनने नहीं आया, सिर्फ आपको यह बताने आया हूं कि मैं अपने मिशन पर अभी भी कायम हूं, और इसे मेरी लास्ट वार्निंग समझ लीजिएगा आप। जो लोग अपने इरादों में मजबूत होते हैं ना नील, उनके हाथ नहीं कांपते। शादी की रस्म पूरी होते ही अवनी के लिए हथकड़ी मैं लेके आऊं?
एक बात हमेशा याद रखना, तो नजायज है और तेरी माँ बिन ब्याही औरत। जा तेरी माँ के पास जा। क्या कहा था तूने, कहाँ रहती है तेरी माँ? वहां दिल में, तो गोली भी वही लगनी चाहिए ना। बहुत मदद कर ली आपने दयावंती की, बहुत तबाही मचा ली उसने आपकी मदद से। अब तो अपनी आंखें खोलो। अब और मैं आपको उसका साथ नहीं देने दूंगी, अब आपको सच्चाई का साथ देना ही होगा। रिया का कोई अपडेट? पता नहीं सर जी, रिया के कमरे के पास किसी को जाने नहीं दे रहे हैं ये लोग। और अवनी वो क्या है? वो भी सर शायद रिया के साथ उसी कमरे में। शादी से ठीक पहले अपनी रिया के रूम में, और जितना मैं अवनी को जानता हूँ ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता।